अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आज आप कौन सी डिश बना रहे हैं? मैं ज़मीन के अंदर बकरा बना रहा हूँ। ज़मीन के अंदर बकरा जी। तो दिखाएंगे हमें किस तरह बनाएंगे, क्या उसका प्रोसीजर है? आ जाओ, ये बकरा कटा हुआ है। ये बकरा कटा हुआ है? हाँ। कितने किलो का बकरा होगा अंदाजा? तकरीबन ये होगा 15 से 16 किलो। 15 से 16 किलो का बकरा ही है? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आप क्या किस तरह मैरिनेशन कर रहे हैं इसकी? इसमें मसाला हम लगा रहे हैं, सुरखा। क्या क्या लगाया? सुरखा लगाया। सुरखा लगाया, ठीक है। फिर दही के अंदर अदरक लहसुन। दही के अंदर अदरक और लहसुन लगाई। लींबू। लींबू और टिक्का बूटी मसाला। टिक्का बूटी मसाला के लिए मैंने। और अल्लाह तुमको, अभी इसको टेंगेंगे, इसको घंटा रखेंगे, ठीक है। और घंटे के बाद इसको हम लोग सीख में बांधेंगे। सीख पे बांधेंगे? हाँ। फिर जाएंगे कब्र में। कब्र कहाँ बनाई इसकी जगह? कब्र ये है। आ जाओ। ये किस तरह आपने खड्डा खोद के बनाई है? किस तरह खड्डा खोद के बनाया? फिर इसको अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं, इसलिए गर्म हो जाए भट्टी। अच्छा, गर्म हो जाए। हाँ, भट्टी गर्म। कितनी देर तक जलाते हैं इसको? तकरीबन 2-2.5 घंटे जलती है। 2-2.5 घंटे तक जलती है, ठीक है। भट्टी गर्म हो जाती है, ठीक। भट्टी के बाद हम इसको कोयलों को सारों को निकाल लेते हैं, ठीक है। कोयले निकाल लेते हैं आप 2-3 घंटे के बाद? जी, कोयले निकाल के बाहर रखते हैं, ठीक है। फिर बकरे को एक सरिये के अंदर बांध के, ठीक है, फिर इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, बकरे को डाल दिया, फिर ऊपर से एक टीन की चादर आती है। टीन की चादर रखते हैं? वो चादर रख के, अच्छा, ऊपर से मट्टी का घारा बना के इसको पैक कर देंगे। इसको पैक कर देंगे पूरे को? पैक करेंगे, इसकी बांप जो तपश होती है बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। हाँ, वो कोयला जो बाहर निकालेंगे जी, उसके ऊपर वरी वही कोयला रखेंगे टीन के ऊपर के, नीचे से भी इसको ईट मिलती रहे जी जी, ऊपर से भी इसको ईट मिलती रहे। ईट मिलती रहे। हाँ, तकरीबन 2.5-3 घंटा इसको छोड़ेंगे तो अंदर इंशाल्लाह बन जाएगा। 2.5 से 3 घंटे में बन जाता है बिल्कुल, ये सॉफ्ट वगैरह हो जाता है आराम से। बिल्कुल हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, चलें फिर फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो आप हमें बताइए जब आप इसको डालेंगे अंदर कवर में ना, ठीक है भाई। तो अभी कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं आप? हम अभी बकरे को थोड़ा और मसाला लगा रहे हैं। मसाला लगा रहे हैं? मसाला लगा के घंटा तो छोड़ दिया था। अच्छा, फिर अंदर खड्डे में उतारने से पहले इसको थोड़ा मसाला लगा रहे हैं। अच्छा, खड्डे में उतारने से पहले आपने फिर मसाला लगाया? अभी थोड़ा मसाला लगा रहे हैं तो थोड़ा वो पकने में थोड़ा मजा दे। अच्छा, बस अभी आप इसको खड्डे में डालेंगे? खड्डे में डालेंगे इंशाल्लाह इसको। इसमें कोई चीज लगाएंगे या बस डायरेक्ट ले जाएंगे? फॉइल पेपर इसको मारेंगे। फॉइल लगाएंगे पूरा? अच्छा, फॉइल पेपर कितने? फॉइल पेपर ये पड़ा हुआ है। पूरा फॉइल पेपर लगा देंगे आप इस पे? जी, इसको बांध देंगे तो मिट्टी वगैरह ना लगे इसको, ठीक है। गोश्त भी सही पकेगा इसके अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, 2.5 से 3 घंटे में पक जाता है फिर ये? बिल्कुल पक जाता है। तो आप दिखाएंगे कैसे फॉइल आप इस पे रैप करेंगे? पूरा रैप कर दिया आपने इसको जी। इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे इसको? अभी इसके ऊपर और थोड़ा सीख बांधनी पड़ेगी। अच्छा, सीखे बांधे, तारे बांधेंगे? तारे किस तरह की तारे हम दिखाएंगे आप हमें? तार भी आपको दिखा देंगे। आप कौन सी तार से बांधेंगे आप? अभी दोबारा में ये तार आ गया, तार खोल। किस चीज़ की तार है ये? तार कॉइल पेपर। कॉइल पेपर की? हाँ।
तार को किस तरह आप टाइट ज्यादा रखेंगे या लूज कर देंगे? बिल्कुल लूज होगी, थोड़ा लूज होगी। तो कितनी तार चाहिए होती है इसको बांधने के लिए? तकरीबन 8-10 फीट चाहिए। 8-10 फीट चाहिए होती है। अच्छा, जी भाई, शीट लिया है सलमान जी बना गारो बना
हुसैन भाई अभी आपने इसको बिल्कुल दफन कर दिया जी। अभी इसके बाद का क्या प्रोसेस है? गारा बनेगा इसके ऊपर, लेप लगाएंगे तो इसकी बाहर अच्छे से गारा बनवा रहे हो। स्टीम बार ना बाहर ना निकले, अच्छा स्टीम बार ना निकले तो आप इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल जैसे बंद करते हैं उसी तरह पैक कर देंगे। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हुसैन। हुसैन सर, ये कौन सी डिश है कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये हम बना रहे हैं मटन सब्जी। मटन सब्जी, अच्छा इसके बारे में क्या खासियत है कुछ बताएंगे? ये ज़मीन के अंदर साबित बकरा जो है वो दफन करके जी और इसको फिर है ना हम पैक करके ऊपर से फिर इसको कोयले लगा कर अच्छा स्टीम पे हम लोग है ना पकाने के लिए छोड़ेंगे। स्टीम पे बिल्कुल आप पकाएंगे? हाँ स्टीम पे। तो सर ये कितना टाइम? आग जो है इसमें से निकाल दी है। अच्छा, आग के कोयले वगैरह आपने निकाल लिए? जी जी। अब ये स्टीम पे पकेगा, इसमें मिनिमम 3 घंटे है ना जो है वो इसको चाहिए होते हैं और वो अपनी हल्की आँच पे है ना पकता रहता है। अच्छा, हल्की आँच पे पकता रहता है जी। सर ये किसी खास एरिया की डिश है या कहाँ की डिश है? ये बेसिकली मतलब है ना पहाड़ी इलाकों में और है ना जो लोग हैं वो ज़मीन के अंदर दफन करके खाना बनाते थे जी जी। तो अरबी डिश भी कहा जाता है, जैसे आप है ना दमपुख मंदी जो होती है, लेकिन मंदी तो आपको पता है कि उनके पास ओवन और ये सिस्टम है, लेकिन ये जो देसी तरीका होता है तो ये हमने देसी तरीके से आज इन्हें ट्राई किया बना रहे हैं। अच्छा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया अभी? बिल्कुल हो गया। तो अभी अब कितना घंटे इंतजार करना पड़ेगा? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। उसके बाद निकाल के खाओ? उसके बाद निकाल के खाएं। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। हाँ सर, काली माता तो लकड़ी बारे छे ना मत चावल थोड़ा बना अल चावल वो खे बना आसन। तो हुसैन भाई अभी कितने घंटे हो गए इसको? तकरीबन 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे हो गए जी। तो आप अभी इसको ओपन कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगे हुए लड़के? अच्छा, ऊपर से राख हटा रहे हैं, मिट्टी हटा रहे हैं। अच्छा, तो ये राख वगैरह हटा के फिर उसके बाद आप इसको ओपन कर देंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट खोल लेंगे या कुछ देर छोड़ेंगे उसमें? नहीं, इसको डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये राख वगैरह सारी हटा दी आप लोगों ने? बिल्कुल। इसको फिर सर्व आप किस तरह करेंगे? कोई
तो इसके स्पेशल चीज से सर्व करेंगे। इसको छुरी से काटना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े छुरी से काटेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे। अच्छा, फिर बाहर निकाल के रखेंगे कुछ थाल वगैरह में। जी जी, फिर इसको टुकड़े करके तकसीम करेंगे। तकसीम कर इसको खाने के करीब आ जाएंगे। अच्छा चलें, वो आप दिखाएंगे हमें? बिल्कुल चलें दिखाइए। अच्छा, तो ये कम्प्लीटली बन चुका है अभी? बिल्कुल, इंशाल्लाह लोगों से तैयार होगा। अच्छा, जैसे क्रिसमस आ रही है, इसमें गट्ठी थोड़ी बड़ी चौड़ी हो गई है। हाँ। अच्छा, पट्टी चौड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो इसको कोई पेपर जो लगाया है, फॉइल पेपर, जी जी, वो उसको गर्माश में अच्छी तरीके से पका। अच्छा, बिल्कुल, बकरा भी छोटा था। अच्छा, इंशाल्लाह पक गया, नहीं तो उसको तीन घंटे टाइम लगता है। हाँ, गले होते हैं जी, गर्म है। डबल है सर, ओपनिंग सेरेमनी है। सब बढ़िया। ये ट्राई टॉल ऑर्डर। मतलब ट्राई ले अगली मजा खाना। ट्राई करो, देखो हमजा कैसा बना है। किस तरह बना है? बहुत जबरदस्त। अब चल के बताओ कैसे चल रहे हो आप। ये खाते हैं चावल के साथ, मगर क्या था कि टाइम हमारे पास बहुत लेट हो गया।
भाई कैसा टेस्ट? अभी आपको बैठो पीसेस करके देते हैं तो आप और ज़ूम करके बना तो लेके लैम्प यार वो प्लेट पड़ी हुई है ना आपके पीछे उठा दे चल यार तू हमारा कौन लड़ाई का है हाँ तो हसन भाई ने यह चीज रखी है तो ए, सामने लाओ। हाँ तो ये हसन भाई ने आज हमारी दावत की है हाँ भाई फतेह को भी दिखा देना है। फतेह देख रहा है ऑस्ट्रेलिया से डर गया बेटा। ऑस्ट्रेलिया में हो तुम, यहाँ देखो बकरे बन रहे हैं, दुम्बे बन रहे हैं, तुम कहाँ हो यार? तुमने मिस कर दिया, फिर तुम बोलोगे हैं अब मेरा हिस्सा भेजो। तुम बेटा एंजॉय करो अभी देख के। चलो आ जाओ यार वासे, बैठ जाओ, बैठो, आ जाओ तू भी खा ले।